ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। क्या मायावती बनने जा रही हैं देश की अगली राष्ट्रपति? काफी दिनों से ये चर्चा है कि मायावती की पार्टी और मायावती ने बीजेपी का विधानसभा चुनाव में विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि भाजपा ने वादा किया था कि अगर भाजपा को जीतने दिया गया तो मायावती को जीतने के बाद राष्ट्रपति चुनाव आने पर उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। हालांकि इसका जवाब कल खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया कि आखिर इस बात की क्या है सच्चाई। आपको पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, तो NS Now पे बने रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NS Now को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही हमें ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। तो यूपी असेंबली चुनाव में बुरी तरीके से हार चुकी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती का कुछ महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर रिएक्शन सामने आया है। मायावती ने कहा, बीजेपी ने अपने संगठन RSS के जरिए हमारे लोगों में यह गलत प्रचार कराया कि यूपी में BSP की सरकार नहीं बनने पर हम आपकी बहन जी को देश की राष्ट्रपति बनवा देंगे, इसलिए आपको भाजपा को सत्ता में दोबारा वापिस लाना होगा। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS ने उनके समर्थकों को गुमराह करने के लिए असेंबली चुनाव में झूठा प्रचार किया था, कार्यकर्ताओं को बरगलाया गया था। यूपी असेंबली चुनाव में बीजेपी को जीतने दिया गया तो मायावती को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। बसपा प्रमुख ने कहा, बहुत पहले ही मान्यवर काशीराम ने राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाली उनकी मजबूत शिष्या हूँ। जब उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया तो भला मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? अपनी पार्टी और आंदोलन के हित में मैं कभी भी बीजेपी या अन्य पार्टी की ओर से दिए गए राष्ट्रपति पद के ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग ऐसी अफवाहों से गुमराह ना हों।